नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, साथ में इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि अंदर में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको अंदाज़ा चलेगा कि किस तरीके से आप सिर्फ 30 फीट बाई 34 फीट में घर बना सकते हो और साथ में अगर आप इस तरीके से छत के ढलाई तक का काम करवाते हो तो आपको कितना तक का खर्चा है वो आ सकता है। पूरा जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस घर का साइड व्यू का बात कर लिया जाए तो 30 फीट के आसपास का रखा गया, फ्रंट व्यू का बात कर लिया जाए तो 34 फीट के आसपास का फ्रंट व्यू यहाँ पर रखा गया है। अगर इसका साइड व्यू के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर साइड व्यू में देखिएगा तो कॉर्नर पर जो इस घर के लिए आग्नेय कोण हो रहा है वहाँ पर वास्तु के अनुसार इस घर के लिए किचन डिज़ाइन किया गया, जिसके लिए बॉक्स नुमा डिज़ाइन का विंडो का काम किया गया है। हालांकि अंदर चल के आपको दिखाऊंगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिएगा तो इस घर के लिए एक एग्जिट डोर रखा गया है। इसके साथ साथ इस घर का जो फर्श का लेवल है अगर इसके बारे में बात कर लिया जाए तो अगल बगल का जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से 3.5 फीट के आसपास में इस घर का जो फर्श का लेवल है उसे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और कभी भी अपना घर का फर्श का लेवल आपको डिसाइड उसी समय करना चाहिए जब आपका घर का जो अगल बगल का जो रोड है उसका आपको जो अनुमानित हाइट है वो पता चले। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये रोड है वो बना हुआ है, आने वाले दिन में अगर रोड बनता भी है तो 1 से 1.5 फीट के आसपास में वो ऊंचा जाएगा। तो जहाँ पे आपका रोड बनते हुए जो उसका हाइट आएगा वहाँ से कम 3 से 3.5 फीट का आपका ऊंचाई में घर का फर्श का लेवल होना चाहिए तो अच्छा हाइट माना जाता है। अगर घर का जो बीम है, जो प्लिंथ बीम है, इसका जो साइज़ है इसके बारे में जान लिया जाए तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची में बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये 9 इंची बाई 9 इंची का प्लिंथ में आसानी से देख सकते हो। इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में जान लिया जाए तो देख सकते हो 4 सरिये का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 12 mm का घर का जो प्रत्येक बीम है, अंदर का हो या फिर बाहर का हो, और जहाँ पे ब्रिक वर्क यहाँ पे किया गया है प्रत्येक बीम में आप देखिएगा तो 4 सरिये का इस्तेमाल है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं अंदर घर के और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया। उसके साथ एक बात और आपको बता दूं कि साइड की तरफ भी लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का छज्जा निकाला गया है। सामने की तरफ भी छज्जा ये आप निकला हुआ देख पा रहे हो। और छज्जा के सपोर्ट के लिए देखिएगा तो ये पट्टी बीम है। देखिए, यहाँ से लेकर ये जो बीम का काम किया गया है ये पट्टी बीम है, साइड की तरफ भी और ये सामने की तरफ भी। इस तरीके से कैंटिलीवर बीम को सामने की तरफ बाहर निकाला गया और सारा कैंटिलीवर बीम को कनेक्ट करते हुए देखिएगा तो ये पट्टी के बीम है वो लगाया गया। इस तरीके से पट्टी बीम लगाते हो तो कभी भी आपका छज्जा है इसलिए अगर लोड भी आप देते हो तो कभी भी क्रैक्स वगैरह आने की समस्या यहाँ पे आपको नहीं आता, काफ़ी मजबूत होता है। इसके ऊपर में पैरापेट वाल का काम है वो किया जाएगा आने वाले दिन में, जिसके बाद इसका लुक है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है, साइज़ की बात कर लीजिए तो लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का ये मेन डोर है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस घर के लिए आपको खिड़की नज़र आता है जो कि बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे घर में अंदर से डिज़ाइनिंग वो किया गया है। तो घुसने के साथ ही जैसे आप मेन एंट्रेंस पे आते हो आपको सामने की तरफ मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको दाहिने तरफ में आपको इस घर के लिए मिल जाता है पहला रूम। जी दोस्तों, इस घर के लिए पहला रूम है। साइज़ की बात कर लीजिए तो 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का आपको रूम देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट बाथ देखने को मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे मास्टर बेडरूम है जिसके साथ अटैच टॉयलेट बाथ मिलेगा। फिर यहाँ पे एक रूम है, उसके बाद इधर किचन, उसके बाद यहाँ पे सीढ़ी है। हालांकि दो और आपको रूम यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका रूम का साइज़ की बात की जाए तो लगभग 10 फीट बाई 12 फीट के आसपास का वो दोनों रूम है। उसके साथ साथ ये रूम तो आप मैंने बताया कि किस साइज में बनाया जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिजाइनिंग है वो किया गया है रूम का। तो यहाँ पर डबल विंडो आपको देखने को मिल जाता है, ये पहला विंडो है, ये दूसरा विंडो है। विंडो साइज लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का यहाँ पर लिया गया है। इसके साथ साथ कोई भी यहाँ पर लिंटर लेवल पे छज्जा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक बात और आप समझ लीजिए कि इस घर का जो भी बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंची के साथ में रखा गया है। इसके साथ साथ जो पार्टीशन वाला है वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। सारा पार्टीशन वाल को आप देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ से जैसे आप घर में एंटर करते हो यहाँ पर आपका मल गया हॉल के साथ है डाइनिंग एरिया, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम। आगे चलते हो तो उधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, और यहाँ पर आपको मिल गया इस घर के लिए सीढ़ी। सीढ़ी को वास्तु के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल क्लॉक वाइज सीढ़ी, लगभग 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पे देख पा रहे हो। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, फिर आपको ऊपर चल के वो लैंडिंग आ जाता है देख सकते हो। उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो। तो जो सीढ़ी का काम किया गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, कितना का खर्चा आया इसके बारे में बताता हूँ। तो आप
समझ लीजिए कि ये जो विंड जो यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया, बहुत सारे लोग जैसे कि सिर्फ इसका स्लैब का कास्टिंग कर लेते, उसके बाद में ईंट से सीढ़ी को बनाते हैं, उसमें खर्चा आपका कम आता है, लेकिन यहाँ पे ढलाई के साथ में सीढ़ी का काम है वो किया गया, तो इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। तो सारा काम को आप देखते जाइए, तब जाके आप अपने बनने वाले घर के लिए अच्छे से रेट एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एग्जिट डोर भी दिया गया है सीढ़ी रूम के बगल से, जिसे आपने बाहर से देखा था, इस तरीके से एग्जिट डोर भी यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरीके से मिल गया आपको सीढ़ी का काम, इसके साथ साथ किचन है, उसके बाद एक बार फिर से आपको बताऊंगा, आप देखते चलिए, एक बार फिर से बताऊंगा कि किस तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है। कन्फ्यूजन का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम किया गया है। हालांकि ये गलत काम किया गया, अपना घर बनवाइएगा तो इससे आप बचिएगा। जो घर के लिए जो किचन में जो आप सिंक बनवाते हो, कॉर्नर पे आपको कभी भी नहीं देना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर पे सिंक दिया गया है, साइज़ की बात करें तो लगभग 2 फीट बाई 1.5 फीट वाला ये सिंक यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप गलती कर देते हो तो लंबे समय तक उसका आपको जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आने वाले दिन में सिंक लगा दिया जाता है, कभी भी आप घर के किचन में आते हो तो सिंक का यूज़ करने के लिए, तो आपको बिल्कुल कॉर्नर पर जाना होगा, और कॉर्नर पर आपको काम करने में सही नहीं रहता। उसके साथ वास्तु के अनुसार भी उसे गलत माना गया, क्योंकि अग्नि कोण बिल्कुल अग्नि कोण पे, वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पानी वाला चीज़ को नहीं रखना है। आपको यहाँ पे ये वो जो सही है वो जगह है, या फिर आप इधर भी रख सकते हो, वहाँ पर जो जैसे मान लीजिए उधर पूरब है और इधर आप दक्षिण है, तो अग्नि कोण वो हो गया, वहाँ पर आपको वास्तु के अनुसार कभी भी इस तरीके से जो काम है वो नहीं करवाना है। और कॉर्नर पर तो खासकर कभी भी आपको ये जो स्लैब है उसका कॉर्नर पे इस तरीके से कभी भी आपको सिंक का काम नहीं करवाना। साथ में देखिए यहाँ पे विंडो है, ऊपर में एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए जगह है वो दिया गया, उसके साथ ही रूम है, आप देख सकते हो सिंगल विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया गया, किसी प्रकार का कोई भी छज्जा का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉमन टॉयलेट और बाथ आपको देखने को मिल जाता है, इसके साथ साथ एक और टॉयलेट बाथ यहाँ पर जो कि इस रूम के लिए अटैच्ड बनाया गया है। चलिए अंदर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पर किया गया, उसके साथ साथ अटैच्ड टॉयलेट बाथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये इस घर के लिए मास्टर बेडरूम है, देखिए तो ये रूम है, इसके जस्ट बगल में आपको कॉमन टॉयलेट बाथ अंदर में यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये रूम का दरवाज़ा होगा लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का दरवाज़ा है, हालांकि चौखट लगाने के ऊपर है, जिस तरीके से चौखट लगाते हो तो इसका साइज़ है वो कम होता है। मिला जुला कर 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का छोड़ते हो तो आपका जो दोनों तरफ से 2 से 3 इंच के आसपास में वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो साइज़ है, जो दरवाज़ा देने के लिए जो जगह है उसको आपको बड़ा रखना चाहिए। अगर 3 फीट बाई 3 फीट का दरवाज़ा आपको चाहिए, पल्ला चाहिए, उसके लिए फिर आपको बड़ा उसके लिए तो कम से कम 2 से 3 इंच आपको दोनों तरफ से उसका साइज वो बढ़वाना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, फिर से आप देख लीजिए, अगर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इसका वो तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन किस तरीके से डिज़ाइन किया है उसको आप देखिए। जैसे यहाँ से आप घर में एंटर करते हो, एंटर करने के साथ में उधर आपको मिल गया सीढ़ी, यहाँ पर आपको मिल गया किचन, इसके साथ साथ इस साइड की बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, यहाँ पे मिल गया आपको कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके बाद साथ पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको मिल गया दूसरा रूम, उधर मिल गया तीसरा रूम, उसके साथ साथ अटैच टॉयलेट बाथ, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर घर का काम है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ 5-5 इंच का पार्टीशन वाल का सारा काम है वो किया गया है, आप देख सकते हो। हालांकि जो सीढ़ी रूम है उसके चारों तरफ से 10-10 इंच का दीवार है यहाँ पे किया गया, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से काम किया गया है, साथ में जो छत का ढलाई तक का काम है कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। फिनिशिंग की बात कर लिया तो बहुत अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग नहीं कहा जाएगा, ना ही बहुत बुरा फिनिशिंग कहा जाएगा, काम चलाउ टाइप का काम यहाँ पे किया गया है। चाहे ब्रिकवर्क की बात कर ली जाए तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, या फिर बहुत ख़राब भी आप इसे नहीं बोल सकते हो, काम चलाउ यहाँ पर ब्रिकवर्क किया गया है। कॉलम का बात कर लीजिए तो इस घर में लगभग 16 कॉलम के साथ काम किया गया है। जो सारा कॉलम है आप देख सकते हो 9 इंच बाई 9 इंच का है, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए, उधर देखिए, या फिर आप यहाँ पे भी सीढ़ी रूम में भी देख सकते हो। इस तरीके से 9 इंच बाई 9 इंच का ये बना हुआ कॉलम है घर का, इसका भी बहुत अच्छा फिनिशिंग है वो नहीं आया हुआ, जिससे कि इजिली आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत ख़राब इसे नहीं बोल सकते हो। 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है प्रत्येक कॉलम में, आप आसानी के साथ देख सकते हो। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है, मिट्टी के भराई तक का काम यहाँ पे किया गया है, आप आसानी के साथ प्रत्येक रूम टॉयलेट बाथ हर जगह पर देख सकते हो। किचन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बैक फिलिंग है वहाँ तक का काम है वो किया गया है। जैसे काम आगे बढ़ाया जाएगा आपको बताऊँगा दिखाऊँगा कि किस तरीके से इस घर को कम्प्लीट किया गया।
तो दोस्तों अगर खर्च की बात कर ली जाए तो इस घर को बनाने में लगभग 8 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। आपने देखा कि घर के अंदर में 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी आपको देखने को मिल गया था। छत के ढलाई तक का काम यहाँ पर कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारा साइज का बनता हुआ घर का डिज़ाइन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किस साइज़ का घर देखना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट में बताइए, आपके अनुसार मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे घर का डिज़ाइन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।